पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे क्रांतिकारी समूह जहां कहीं भी इस धरती पर है याद करता है शहीद आजम के लिए आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी चूम लिया और इस उम्र में फांसी चूमा जिस उम्र में इस देश के और इस वक्त के बच्चे ये भी नहीं जानते कि देशभक्ति होती क्या है आज वो बहुत जरूरी है याद दिलाना किन कारणों से किसके लिए किन आदर्शों के लिए देशभक्ति के लिए शहीद आजम ने अपनी कुर्बानी दी बहुत जरूरी है जानना सिर्फ 23 मार्च को एक माला पहना देने से चार बातें बोल देने से नहीं होगा भगत सिंह के सपनों का भारत अभी बना है नहीं है बहुत कुछ करना बाकी है और दुर्भाग्यवश सत्ता में ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको भगत सिंह को माला तो पहनाना है लेकिन भगत सिंह की बातों पर चलना नहीं है बड़े अच्छे तरीके से कहा था भगत सिंह जी ने कि मुझे ऐसा भारत चाहिए मेरे सपनों का भारत कैसा होगा कहा ऐसा होना चाहिए जहां काले अंग्रेजों की जगह काले दिल वाले काले अंग्रेज ना बैठ जाए यह डर था उनको फांसी पर चढ़ने के पहले यह डर था उनको और वो डर मेरी नजर में साबित हो रहा है सच साबित हो रहा है साथियों उनके विचार उनकी लेखनी करीब करीब हर नौजवान साथी जानता है लेकिन आज वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर के भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करें सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी नहीं तो बड़ा पॉपुलर आजकल हर तरफ सुनने को मिलता है कि भगत सिंह चाहते सब हैं लेकिन चाहते हैं कि बगल के घर में पैदा हो ऐसे कुर्बानी से देश नहीं बनेगा कुर्बानी देनी पड़ेगी कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा आज हर तरफ कहां है देश देशभक्ति झूठी देशभक्ति मतलब जिस तरफ भी देख लीजिए एग्जीक्यूटिव देख लें पार्लियामेंट देख लें कहां हर तरफ दलाली दलाली चल रही है मुझे लगता है यहां तक कि जुडिशियरी तक में इंटरफ्रेंस है जिस जज साहिबान ने सरकार के खिलाफ कह दिया उसका ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या होगा देश का किस तरफ जाएगा देश मुझे याद है जब मैंने दिल्ली सचिवालय दिल्ली विधानसभा के पास दिल्ली विधानसभा के अंदर इस बात का उल्लेख किया माननीय केजरीवाल साहब ने उस बात का संज्ञान लेते हुए तीनों भारत माता के सपूतों शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की मूर्तियां लगाई प्रांगण में और इसलिए लगवाया कि आते जाते दिल्ली का विधायक जब गुजरे सदन में घुसे उसके पहले देखे कैसे कैसे लोगों ने किन किन साथियों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी उनके विचार घर घर पहुंचे हर घर पहुंचे और एक ऐसा हुजूम तैयार करें नौजवानों का मैं आपको आमंत्रित करता हूं आइए साथ मिलें हाथ मिलाएं और भगत सिंह के सपनों के भारत को बनाने में एकजुटता के साथ हम सब मिलकर काम करें सरफरो की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है असली आजादी जहां की अच्छी शिक्षा सबको मिल पाए गरीब अमीर का भेद खत्म हो दास्ता खत्म हो सुविधाएं सबको मिल पाए देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं खनिज संपदा है उस पर सबका हक हो अभी तो चार पांच धनाढ़ लोग मिलकर के देश को चला रहे हैं सब कुछ उनका ही है देश का गरीब असली आजादी का महत्व ना तो समझ पाया है ना उसका फायदा ले पाया है आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक साथ मिलें और हम सब मिलकर के उस भारत का बृहद सपना जो भगत सिंह जी ने देखा जो राजगुरु जी ने देखा जो सुभाष चंद्र बोस ने देखा उसको बनाने का संकल्प लें तभी जाकर के शहीद शहीद आजम की सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी जय हिंद जय भारत एवरी